दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब? दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने पिछले स्लाइड में देखा होगा, मैंने आप लोगों को कुछ पावर पॉइंट की डिजाइन के विषय में बताया था। आज उसी को लेकर के आगे चलते हैं। ये है वो फाइल, इसको ओपन कर लेते हैं। पिछली बार दोस्तों हम लोगों ने डिजाइन के विषय में देखा था। आज मेनू से हम स्टार्ट करते हैं कुछ चीजों को लेकर के। आइए, पहला मेनू जाता है वह है फाइल मेनू। फाइल मेनू को ओपन करने के लिए नॉर्मली आप यहां से क्लिक कर सकते हैं या फिर आप अल्ट के साथ एफ बटन को यूज कर सकते हैं। इस तरह से अल्ट प्लस एफ बटन करिए या फिर नॉर्मली आप यहां पे क्लिक कर दीजिए। इसमें जो पहला ऑप्शन आता है वह है न्यू। न्यू यानी न्यू फाइल लेने के लिए आप जैसे इस पे क्लिक करते हैं, इस तरह से न्यू फाइल बनाने के लिए आपके पास ऑप्शन आ जाता है जिसमें दिए गए टेम्पलेट्स होते हैं प्लस ब्लैंक प्रेजेंटेशन के लिए भी होता है। आप यहां से चूज कर सकते हैं कोई भी एक। नेक्स्ट जो है आता है ओपन। यहां से आप किसी भी सेव की गई फाइल को ओपन कर सकते हैं। इन सब का भी शॉर्टकट होता है, जैसे न्यू के लिए कंट्रोल एन होता है और ओपन के लिए कंट्रोल प्लस ओ। यहाँ पे क्लिक करते हैं, जो फाइल पहले से हमने बना रखी है, ये देख रहे हैं आप, ये वही फाइल है जो मैं पहले से बना रखा हूँ आपका, आप इसको ओपन कर सकते हैं। यानी जो प्रेजेंटेशन आप पहले बना रखे हैं उसको आप ओपन करने के लिए इस कमांड का यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है इन्फो कमांड। ये सब में होता नहीं है वैसे, इंफॉर्मेशन के लिए होता है जो फाइल आपने बना रखी उसकी प्रॉपर्टी क्या है, स्लाइड्स कितने हैं जिसमें, ये देखिए दिखा रहे हैं इसमें दो स्लाइड है, साइज इसकी जो 1.20 MB है, इस तरह से इसकी प्रॉपर्टीज को शो करता है वो। नेक्स्ट आता है सेव। ये फाइल हमने पहले से सेव कर रखी है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के नाम से, यहाँ पे ऊपर आपको दिख रहा होगा, तो इसलिए यह दोबारा तो इसको जो है आप सेव नहीं कर सकते। हाँ, अगर अलग लोकेशन पे आपको सेव करनी है तो सेव एज का यूज कर सकते हैं आप। जैसे इसको हम सेव करेंगे तो वापस फाइल वहीं पे जो है सेव हो जाती है, लेकिन अगर इसी फाइल को जो है दूसरी जगह सेव करना है तो आप सेव एज का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे वह फाइल हमने जो है डेस्कटॉप पे सेव किया है, इस फाइल को भी डेस्कटॉप पे ही सेव करके देख लेते हैं एक बार। सेव एज के करके नाम इसका चेंज कर देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं प्रेजेंटेशन टू, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन टू। डेस्कटॉप पे देख पाएंगे आप, यहाँ पे देखिए पहले से एक प्रेजेंटेशन है और अब यहाँ पे दूसरा सेव हो जाएगा। यानी सेव एज के द्वारा हम किसी सेव की गई फाइल को दोबारा सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट आइए फाइल पे, आप एक बार पहले देख लीजिए कि सेव हुआ कि नहीं। ये देखिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन टू, ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पहले से पड़ा था। ओपन कर लेते हैं, यहाँ पे पिन है ये प्रोग्राम। सेव एज हो गया। इसके बाद प्रिंट, प्रिंट के लिए हम एक अलग वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको सारी चीज़ समझाएंगे। शेयर वगैरह आपको जब इंटरनेट पर आने लगेंगे उस समय जब हम बता देंगे कि कैसे इस फाइल का शेयर किया जाता है, एक्सपोर्ट कैसे किया जाता है। और लास्ट ऑप्शन आता है यहाँ पे क्लोज, जो आपके ज़रूरत की चीज़ें हैं इसमें सिर्फ हैं न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट, क्लोज, एक्सपोर्ट और शेयर को मैं फिर बता दूंगा। इसके बाद जो अगला मेनू आता है, दूसरे मेनू पे बात किया जाए, वह होता है होम। होम में जैसे ही आप आते हैं ये पूरा का पूरा स्टैंडर्ड टूल बार आपको मिल जाता है। यहाँ पे यानी इस सभी मेनू से संबंधित कुछ ना कुछ टूल्स जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपको सामने मिल जाते हैं इसमें। जैसे ये पहला है क्लिपबोर्ड के टूल्स हैं ये। क्लिपबोर्ड में क्या होता है, आपका कट कॉपी पेस्ट आता है,
यहां से आप जो कॉपी कर सकते हैं, कट कर सकते हैं किसी मैटर को। जैसे मान लीजिए मुझे इस स्लाइड को जो है कॉपी करना है, हम कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी से भी कर सकते हैं और डायरेक्टली यहां से कॉपी कर सकते हैं। कॉपी किया हमने, जैसे ही आप कॉपी करते हैं यह देखेंगे पेस्ट हाईलाइट होने लगा, इससे पहले जो हाईलाइट नहीं हो रहा था। अब इसको हम पेस्ट कर देते हैं, ये देखिए एक यही स्लाइड है, इसको हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब इस कॉपी किए हुए मैटर को हम चाहे तो जितनी बार भी पेस्ट कर सकते हैं, चाहे शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस भी से आप पेस्ट कर दीजिए या फिर यहाँ पर जाकर के ऑप्शन से यहाँ से पेस्ट कर दीजिए। कट के केस में क्या होता है कि यह फाइल जो होती है आपकी, जो स्लाइड होती है यह यहाँ से कट जाती है, जैसे ये देखिए हट गई। अब इसको हम ला करके कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं, देखिए इसके नीचे हो गई, हमने इसको सेलेक्ट कर लिया था इसलिए इसके जो डाउन में इस फाइल इस स्लाइड को डाल दिया। ठीक है दोस्तों, इसको हम फिलहाल में डिलीट करते हैं। डिलीट करने के लिए सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे राइट बटन क्लिक कर दीजिए स्लाइड के ऊपर और यहीं पे आपको मिल जाता है डिलीट स्लाइड, देख पा रहे होंगे आप डिलीट स्लाइड की बटन है, इस पे क्लिक कर दीजिए और डिलीट हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन जो आता है ये स्लाइड को लेकर के कुछ आते हैं ऑप्शन, आप इनको देख लीजिए। यहाँ पे मैंने जो है लास्ट वाली स्लाइड में बताया था कि लास्ट वाली जो प्रेजेंटेशन था उसमें मैंने बताया था कि आप यहाँ से जो है न्यू स्लाइड ले सकते हैं। इसमें स्लाइड के जो है प्रकार दिए हुए हैं, आप कौन से प्रकार के स्लाइड लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। इसी के जस्ट नीचे आता है ऑप्शन आता है डुप्लीकेट सिलेक्टेड स्लाइड, यानी यहाँ से सेम इसी स्लाइड का डुप्लीकेट आप बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे इनपुट डिवाइस का ही डुप्लीकेट चाहिए, तो हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ से डुप्लीकेट स्लाइड सिलेक्टेड स्लाइड्स पे क्लिक कर देते हैं। ये देखिए ये इस तरह से डुप्लीकेट स्लाइड बन के आ जाता है, इसको हम डिलीट करते हैं, पुनः चलते हैं यहाँ पे स्लाइड्स फ्रॉम आउटलाइन, यानी अगर कहीं आपको जब बाहर से कोई स्लाइड इसमें ऐड करना है तो आप इसको यहाँ से ऐड कर सकते हैं। इधर से देखिए अगर आपके पास बाहर कहीं पे पड़ा है स्लाइड, आप उसको ला करके यहाँ से ओपन करके ऐड कर सकते हैं। इसमें जैसे दिखा रहे हैं पे इंसर्ट आउटलाइन, तो आप यहाँ पे स्लाइड को इंसर्ट करा सकते हैं। नेक्स्ट इसी में जो आता है लास्ट ऑप्शन आता है रीयूज स्लाइड्स, पहले से कोई आपने स्लाइड बना रखी है उसको फिर से यूज करना चाहते हैं, आप उसको यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे आ गया रीयूज स्लाइड। आप कोई भी ब्राउज करके उस फाइल को ओपन कर सकते हैं जो आप पहले से पावर पॉइंट में बना रखे हैं, आप उसको दोबारा रीयूज कर सकते हैं। जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है, इसमें तो सारे ऑप्शन खत्म हो गए लगभग में, नेक्स्ट ऑप्शन आता है लेआउट का। आप ये सभी चीजें देख लीजिएगा आप लोग जो है करके, टू कंटेंट्स कंपैरिजन, टाइटल्स ओनली ब्लैंक और कंटेंट विद कैप्शन, इस तरह की इन सब चीज़ों को आप जो देख लीजिएगा। अगर इन सबको मैं बताने लगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आपका जो सिलेबस बहुत लेट होगा पूरा। इस पे आइए देखते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन आता है लेआउट का। लेआउट में क्या होता है कि जैसे जो हम पहले से स्लाइड ले रखे हैं उनके लेआउट को चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले से इसमें ले रखा है तो इसमें सिर्फ टाइटल स्लाइड्स है, यानी एक टाइटल मिला था मुझे और एक सब टाइटल मिला है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसमें टाइटल सब टाइटल के साथ साथ एक जो है वो कंटेंट वाला मैं जो है स्लाइड इसमें ऐड कर दूं, तो इस आप लेआउट को चेंज कर सकते हैं इस तरह से, देख पा रहे हैं आप। तो यहाँ से आप डायरेक्ट जो है इसको चेंज कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पे डबल कंटेंट इसके भी लिख सकते हैं, आप देख रहे हैं। तो इस तरह से आप लेआउट को चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे सारे लेआउट आप लुक करके देख लीजिएगा जैसे था एज इट इज, मैं वैसे कर देता हूँ पहले। नेक्स्ट ऑप्शन आता है रीसेट करने का। रीसेट क्या होता है कि अगर आपने स्लाइड में कोई भी फॉर्मेटिंग वगैरह की है उसको जो है रीसेट करने का कार्य यहां से आप कर सकते हैं, वापस उसी पे जाकर के रीसेट हो जाता है। नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है आपके काम का, ये होता है सेक्शन। सपोज करिए आपने जो है कई स्लाइड बना रखी, जैसे कि 50-60 स्लाइड बना रखी है और आप चाहते हैं कि उनको कई सेक्शन में डिवाइड कर दें, तो वो काम आप यहाँ से बड़ी आसानी से कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं इसको जो है कॉपी कर लेता हूँ, पहले कॉपी करके दिखाते हैं इसको, कई स्लाइड को पेस्ट कर देते हैं हम। जैसे ये रहा, हमने 12 स्लाइडें बना ली, पेस्ट कर दिया, कंट्रोल भी कर दिया, कंट्रोल सी करने के बाद कंट्रोल भी करते गए और ढेर सारी स्लाइडें होंगी।
अब मैं चाहता हूं कि यहां से एक सेक्शन बना लेते हैं। जैसे ही आप ऐड सेक्शन पे क्लिक करेंगे इस तरह से आ जाएगा। देखिए यहाँ पे दिखा रहा है अनटाइटल सेक्शन, यहाँ पे दे रहा है, आप रीनेम कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हम दे देते हैं स्टार्ट। ओके, ये देखिए दिखा रहा है स्टार्ट, और मुझे अगला सेक्शन यहाँ पे बनाना है। तो हम यहाँ पे आते हैं और फिर सेक्शन पे जाते हैं, यहाँ पे ऐड सेक्शन यूज करते हैं, इनपुट डिवाइस। ठीक है, अब इसको यहाँ पे देते हैं। ये देखिए ये दो सेक्शन में हो गया। आप जैसे ही स्टार्ट सेक्शन पे क्लिक करते हैं, ये देखिए उसके बीच की सभी स्लाइडों को वो जो है अपने अंदर समेट लेता है, और आप यहां से करेंगे तो ये नीचे की सभी स्लाइड को जो है अपने अंदर समेट लिया। यानी M2 डिवाइस में जो है 8 स्लाइडें हैं और स्टार्ट वाले में 4 स्लाइडें हैं, तो ये सभी जो है सेक्शन के रूप में डिवाइड हो जाते हैं आपके। ये इस तरह से आप करके देख सकते हैं। अब इनको हम कर देते हैं खत्म, यहां से आप जो है रिमूव कर दीजिए, रिमूव सेक्शंस एंड स्लाइड्स ये नहीं करना है मुझको, फिर सिर्फ मुझको जो है रिमूव ऑल सेक्शंस करना है। आप इस पर क्लिक करिए, सभी सेक्शन रिमूव हो गए। ये इस तरह से, ठीक है दोस्तों। इसके बाद जो नेक्स्ट टैब आता है वह होता है इसमें फॉन्ट का। फॉन्ट के लिए क्या करना पड़ता है, अभी देखिए जो हाईलाइट नहीं हो रहा है, हाईलाइट इसलिए नहीं हो रहा है कि कोई भी फॉन्ट मेरा सेलेक्ट नहीं है। तो सबसे पहले हम फॉन्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं इस तरह से। सेलेक्ट करने के बाद आप चाहें तो यहाँ से कोई भी उसका जो फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं। आपको जो फॉन्ट चाहिए वो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। ये देखिए बगल में प्रीव्यू दिखा रहा है इसका। इस तरह से आप जो है कोई अलग फॉन्ट ले सकते हैं। दोस्तों मैं पहले ही बता चुका हूँ, हो सकता है आपके जो है पावर पॉइंट वर्जन में ये चीज़ें आपको यहाँ पर ना मिले, तो आपको फॉन्ट से संबंधित अगर चीज़ें चाहिए, डिज़ाइन से संबंधित चीज़ें चाहिए, तो आपको फॉर्मेट मेनू में जाना पड़ेगा। उसमें फॉर्मेट मेनू दिया होगा, आप उसमें जाइए, वहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ये इस तरह से आपको जो चाहिए उसको आप चेंज कर लीजिए। मान लीजिए मैंने ये कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट आता है, यहाँ से आप साइज को चेंज कर सकते हैं। जो भी साइज चाहिए आप साइज यहाँ से बड़ा और छोटा कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है ये होता है फॉन्ट को इंक्रीज करने के लिए। फॉन्ट को इंक्रीज करने के लिए शॉर्टकट भी आता है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन का साइन होता है, जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। आपको दिखा दें हम ये करके, ये देखिए। और यहाँ से जो है डिक्रीज कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन, इन सबका शॉर्टकट की होता है। अगर आप शॉर्टकट की याद कर लेते हैं दोस्त, बहुत बढ़िया होता है। इससे बहुत बड़ा इंप्रेशन पड़ता है सामने वाले पे जब आप सिस्टम पे कार्य करते हैं। तो मेरी तरफ से अगर राय माने आप, तो जो शॉर्टकट की पे पूरा ध्यान दीजिएगा, पूरा फोकस होना चाहिए। आप मैक्सिमम जो है कीबोर्ड का यूज करें और माउस पे हाथ ना लगाएं। नेक्स्ट आता है इसमें बोल्ड, यहाँ से आप जो है बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं। देखिए इटैलिक करने पे होता क्या है, थोड़ा सा तिरछा हो जाता है फॉन्ट। इसको हटा देते हैं, इनको भी हटा देते हैं, यहाँ से अंडरलाइन कर सकते हैं हम। और ये रहा हमारा जो है शैडो के लिए। यहाँ से पीछे देखिए क्या हल्की सी शैडो हो जाएगी, आप देख पा रहे होंगे, हल्का सा जो है इफेक्ट पड़ता है। अगर आपको ऐसे नहीं दिख रहा है तो आप सिस्टम में अपने करिएगा, उसमें देख लीजिएगा, यहाँ से इफेक्ट पड़ता है। इसके बाद आता है आपका स्ट्रिक्ट व्यू। इससे क्या होता है कि हम इस पूरे वर्ड को काट सकते हैं इस तरह से। यहां से पर कैरेक्टर के बीच में स्पेस कर देते हैं, इसको बोलते हैं कैरेक्टर स्पेसिंग। इस तरह से हम जो है, जैसे अभी नॉर्मल है ये, इसको लूज कर देते हैं, थोड़ा सा और बड़ा, वेरी लूज, या फिर मोर स्पेसिंग। आप इस तरह से देख रहे होंगे एक एक कैरेक्टर के बीच में जो है गैप हो जाता है। कैरेक्टर यानी यहाँ पे देखेंगे आप, ये जो देख पा रहे होंगे आप, ये जो बीच में है ये थोड़ा थोड़ा दूर हो जाता है। इसको आप अपने अनुसार भी कर सकते हैं, अगर आपको चाहिए कि नहीं और स्पेसिंग चाहिए तो आप यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ से इस तरह से बढ़ा सकते हैं। इतना करके आप इसको कर दीजिए, देखिए कितना दूर दूर हो गया ये। पी यहाँ पे, ओ यहाँ पे, डब्ल्यू यहाँ पे, ई यहाँ पे, कितना दूर दूर हो गया। तो इस तरह से आप जो है स्पेसिंग कर सकते हैं,
यहाँ से कैरेक्टर के बीच में, इसको हम हटा देते हैं और नॉर्मल कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद जो आता है ऑप्शन, वह होता है आपका केस चेंज करने का ऑप्शन। केस चेंज मतलब क्या होता है कि सपोज करिए आपने एक पूरा पैराग्राफ लिखा या फिर पूरी स्लाइड में जो है बहुत सारे वर्ड आपने लिख दिया है और आपने सेंटेंस का केस का ध्यान नहीं रखा आपने, यानी कि जो सेंटेंस केस में लिखना चाहिए था आप उसका जो है बिल्कुल ध्यान नहीं दिए और आपने सारे चीजें जो है आगे पीछे करके जो है बिना किसी रूल के आपने लिख दिए, तो उसके लिए इसमें जो है 5 केस मिलते हैं। सेंटेंस केस देख लीजिए आप, जैसा कि होता है कि इसमें वर्ड का पहला करेक्टर आपको जो है पूरे एक सेंटेंस का पहला करेक्टर जो आपको कैपिटल मिल जाएगा, जैसे यहाँ पे करके देख लीजिए, मैं पहले सबको सिलेक्ट कर लेता हूँ एक साथ फिर आपको करके दिखाते हैं। सेलेक्ट कर लीजिए, सिलेक्ट करने के लिए सीधे माउस से पकड़िए और ड्रैग कर लीजिए, ये सिलेक्ट हो गया। यहाँ पे आइए सेंटेंस के सामने आप देख पाएंगे इस पूरे जो सेंटेंस का पहला कैरेक्टर पी देखिए आप जो सिर्फ कैपिटल हो जाता है और बाकी सभी जो है स्मॉल हो जाते हैं, जैसा कि हम अक्सर लिखते हैं सेंटेंस केस में। नेक्स्ट आता है इसमें जो नेक्स्ट केस होता है वो होता है लोअर केस। इसमें क्या होता है आप देख पा रहे होंगे सारे के सारे जो है लोअर केस में लिख देता है सारे वर्ड को। नेक्स्ट आप देखेंगे अपर केस, सभी को कैपिटल करके लिख देगा। और इसके बाद आता है आपका कैपिटलाइजेशन ईच वर्ड। इसमें क्या होता है वर्ड के जो पहले कैरेक्टर को जो है कैपिटल कर देता है और बाकी सबको स्मॉल कर देता है, जैसे पावर में पी को, पॉइंट में पी को और प्रेजेंटेशन में पी को, इस तरह से। टकल केस में इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है। इसका मुझको आज तक नहीं समझ में आया कि ये वर्ड जो है और ये केस जो है कहाँ पर यूज होता है, मुझे आज तक बिल्कुल नहीं पता। अगर आप लोगों को पता हो तो जरूर कमेंट करिएगा, इस केस का मुझे आज तक नहीं पता चला कि कहाँ पर यूज होता है। इसको हम जो है कर देते हैं अपर केस में, जैसे था ये पहले से। इसके बाद जो आता है यह होता है कलर के लिए। आप यहाँ से कलर को चेंज कर सकते हैं कोई भी, इस तरह से जो आपको खूबसूरत लगे आप उस कलर को चाहे चेंज कर दीजिए, आप वही कलर लगा दीजिए। तो इस तरह से जो है फॉन्ट, क्लिपबोर्ड, स्लाइड्स, ये 3 आपके जो है मेन टूल्स को जो है मैंने कवर किया है। अब इसके आगे के टूल्स को जो है हम जो है नेक्स्ट स्लाइड में आपको जो है प्रोवाइड कराएंगे और समझाते हुए बिल्कुल ऐसे ही। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे मैं जैसे ही वीडियो बनाऊं आपको तुरंत पता चल जाएगा कि मेरी नई वीडियो अपडेट हुई है। थैंक यू दोस्तों।